ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने एक भारतीय नागरिक को गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सिडनी के अर्बन रेलवे स्टेशन के पास घटी है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना था कि यहां कथित तौर पर भारतीय नागरिक द्वारा सफाई कर्मी को चाकू मारा गया और पुलिस अधिकारियों को धमकाया भी गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। वहीं इस घटना के बाद भारत एक्शन में आ गया और भारत का महावाणिज्य दूतावास एक्शन मोड में है और इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया से पूरी रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले की पहचान तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद रहमतुल्ला सैयद अहमद, जिसकी उम्र 32 साल थी, उसके रूप में हुई है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि अहमद ने सिडनी में अर्बन रेलवे स्टेशन पर एक 28 वर्षीय सफाई कर्मी पर कथित तौर पर हमला किया। रिपोर्ट में बताया गया कि दो पुलिस अधिकारी थाने से निकल रहे थे, तभी अहमद ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया। एक पुलिस अधिकारी ने 3 गोली चलाई, जिनमें से 2 गोली अहमद के सीने में जा लगी। एक कांस्टेबल ने उस पर अपने टेजर का भी इस्तेमाल किया। बाद में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस अधिकारी ने इस बात की जांच कर रहे हैं कि अहमद मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं था, जिसकी वजह से उसने सफाई कर्मी पर हमला किया, पुलिस अधिकारियों को धमकाया। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अहमद की पुलिस के साथ पिछली 5 बार बातचीत भी हुई थी, जिसका अपराध से कोई संबंध नहीं था। एक बार कोविड-19 से संबंधित बात हुई थी, वो ब्रिजिंग वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। वहीं भारत के वाणिज्य दूतावास ने घटना का संज्ञान ले लिया और एक बयान जारी कर कहा, घटना बेहद परेशान करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने औपचारिक रूप से विदेश मामलों और व्यापार विभाग, न्यू साउथ वेल्स कार्यालय के साथ साथ राज्य पुलिस अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाया है। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस सहायक आयुक्त स्टुअर्ट स्मिथ ने कहा, अधिकारियों के पास जवाबी कार्रवाई के लिए कुछ ही सेकंड थे और उनके पास अहमद को गोली मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। ये दर्दनाक है, ये तत्काल कदम उठाया गया। वो अधिकारियों पर कांच के दरवाजों के जरिए हमला कर सकता था, उनके पास प्रतिक्रिया के लिए कम समय था। आतंकवाद निरोधी इकाई को जांच के लिए मदद में लगाया जाएगा। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने आगे बताया कि अर्बन रेलवे स्टेशन पर छुरा घोपने की घटना में अहमद की पहचान एक संदिग्ध के रूप में की गई थी और वो पुलिस को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। वाणिज्य दूतावास ने कहा, हमने एक भारतीय नागरिक पर गोली चलाए जाने की घटना पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। खैर, अब देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को क्या जवाब देता है। आपको क्या लगता है इस घटना को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।